गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर ऑन मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन क्या होते हैं। मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन इज द रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड और ब्लड और ब्लड कंपोनेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मंथ्स और ईयर इज नॉन एज द मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन। मतलब ऐसे ट्रांसफ्यूजन जो बार बार दिए जाते हैं ऐसे पेशेंट में जिनमें बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है और उन्हें बार बार हर 3 से 4 हफ्ते में ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है उन्हें मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है। इसके बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, हाइपोप्रोलीफरेटिव एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया एसोसिएटेड विद क्रॉनिक डिसीज। सो देर आर मैनी इंडिकेशंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइपोप्रोलीफरेटिव एनीमिया, हाइपोप्लास्टिक और एप्लास्टिक एनीमिया, ड्रग और केमिकल इंड्यूस हाइपो और एप्लास्टिक एनीमिया, रेडिएशन इंड्यूस मैरो डिप्रेशन। ऑल दिस इंडिकेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइपोप्रोलीफरेटिव एनीमिया। नाउ द हीमोलिटिक एनीमिया, देर आर मेनी इंडिकेशंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया, जैसे कि थैलेसीमिया मेजर, सीकल सेल एनीमिया, ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया एंड पैरेक्सिसनल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। और ये सारे इंडिकेशन हीमोलिटिक एनीमिया की कैटेगरी में आते हैं। नाउ द एनीमिया एसोसिएटेड विद क्रॉनिक डिसीज, रीनल इनसफिशेंसी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हेपेटिक फेल्योर, मेलिग्नेंसी, ये सारे इंडिकेशंस क्रॉनिक एनीमिया एसोसिएटेड विद क्रॉनिक डिसीज के कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे पेशेंट जो मैंने अभी बताए हैं इन सभी पेशेंट में मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टेल गुड अबाउट द गाइडेंस ऑफ गाइडलाइन फॉर द मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन। ऐसे पेशेंट जिन्हें मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है उन्हें हमेशा पैक्ड रेड ब्लड सेल्स ही दिए जाने चाहिए। ऐसे पैक्ड रेड ब्लड सेल दिए जाने चाहिए जो ल्यूकोसाइट पुअर हों और सेम एबीओ एंड आरएस ग्रुप के हों। एंड जब हम पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का ट्रांसफ्यूजन करें तो 7 दिन से ज़्यादा पुराने ना हो और उसका डोज भी प्रॉपर होना चाहिए। टू मेंटेन द गुड हीमोग्लोबिन ऑलवेज ट्राई टू गिव ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम 10 to 20 ml ऑफ पर केजी बॉडी वेट ऑफ डोज। सो ऐसे हमेशा पैक्ड रेड ब्लड सेल का ही यूज करें, ल्यूकोसाइट पुअर होने चाहिए, 7 दिन से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, सेम एबीओ एंड आरएस ग्रुप के होने चाहिए और इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम रिकरेंट ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो पेशेंट्स में आयरन ओवरलोड होने लगता है, तो इससे बचने के लिए पेशेंट को आयरन चिलेटिंग एजेंट्स जरूर देने चाहिए प्रॉपर डोज कैलकुलेट करने के बाद। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ द मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन। आई होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड अबाउट द मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द साइड ऑफ डॉक्टर रूपम जैन। थैंक यू वेरी मच।